स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट जो आपका एक पेपर है एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसके आंसर की को मैच करेंगे। तो पेपर आउट करिए, आंसर्स को मैच करिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, और कमेंट में पिन करिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है ई सी जी सी इज रिलेटेड टू, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी हुआ था। ई सी डी सी जो है किससे रिलेटेड है, एक्सपोर्ट प्रमोशन से, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस से, किसी एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन से, कि डी एक्सपोर्ट स्टेटस पब्लिकेशन से। तो देखिए ई सी जी अगर यहाँ पर पूछा है किससे रिलेटेड है, तो हमने क्या बताया, एक्सपोर्ट प्रमोशन से। ऑप्शन नंबर बी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है, दोनों आपके सही हैं, लेकिन इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो सही लग रहा है दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन से ये रिलेटेड होता है यहाँ पे ई सी जी सी का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ अ नेशन हैज एन ओपन इकोनॉमी, अगर इफ अ नेशन हैज एन ओपन इकोनॉमी दैट देन द नेशन अलाउज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, बी हैज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, की सी हैज अ फिक्स एक्सचेंज रेट, की कंडक्ट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंडक्ट ट्रेड विथ अदर कंट्रीज, सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉरेन ट्रेड फोर्सेस डोमेस्टिक फर्म्स टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ ए द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, बी है प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी, कि सी है प्रोडक्ट की प्राइस, की डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो फॉरेन ट्रेड फोर्सेस थे वो डोमेस्टिक फॉर्म्स को बिकम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ, सारे के सारे ऑप्शन इसमें से सही हो जाएंगे, कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिज़ाइन और क्वालिटी, और प्रोडक्ट की प्राइस। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाई द गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, फेवरेबल ट्रेड की फ्री ट्रेड। तो रिमूविंग जो बैरियर्स हैं उसको हटाना, रिस्ट्रिक्ट करना जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदारीकरण बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्रिएटेड एज एन एफर्ट टू प्रोमोट फ्री ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द सर्मनेस ऑक्सली एक्ट, सी है मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक, की डी है द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा है क्रिएट किया जाता है एफर्ट टू प्रमोट फ्री ट्रेड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिफरेंशिएट फॉरेन ट्रेड फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, डिफरेंट करेंसीज, प्रोडक्ट क्वालिटी की, प्रोडक्ट मोबाइलिटी की, ट्रेड पॉलिसीज। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा दैट इज योर प्रोडक्ट क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्स का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करें, बाई इनटू फॉरेन ट्रेड ए फर्म एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग ओनली, ऑल स्पेयर्स ऑफ मार्किंग ऑपरेशन फाइनेंस साइमल्टेनियसली, की सी हैम एनी और ऑल स्पेयर्स ऑफ द मार्केटिंग ऑपरेशन एंड फाइनेंस, की फाइनेंस ऑनली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनी और ऑल स्पेयर्स ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशन एंड फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, फॉरेन ट्रेड डज नॉट रिजल्ट इन द फॉरेन इनोवेशन इज इंकरेज्ड, कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को इंकरेज किया गया, कि सी है कि इम्पोर्ट्स आर रेंडर्ड चीप, कि डी कंजप्शन इज मिनिमाइज। तो एट का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कंजप्शन इज मिनिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है कि बाई हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज ए फर्म रिड्यूस करता है क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, की बिजनेस रिस्क। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि अगर हैविंग अ बिजनेस इन डिफरेंट कंट्रीज ए फर्म क्या रिड्यूस करती है अपनी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर आपका बिजनेस रिस्क, क्या हो जाएगा दैट इज योर बिजनेस, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलिटिकल रिस्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टैक्स इज द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, लाइसेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेल्स की, एक्सपोर्ट। तो सबसे पहला स्टेप इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस का क्या होता है, तो लाइसेंस होता है। तो 10th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज फेसिंग अ कंटिन्यूस डिफिशिएट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रुपी इज एक्सपेक्टेड टू बी डेप्रिशिएट, बी है अप्रिशिएट, कि सी है इट्स शो नो स्पेसिफिक टेंडेंसी, कि डी
it depreciate against the currencies of the countries with positive balance of payment appreciate against. So इसका आंसर हो जाएगा 11 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द डिमांड फॉर डोमेस्टिक, द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इज द इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो होगा आपका एंड सर्विसेज की, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल इनफ्लोज की. इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी की, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटफ्लोज. तो इसका आंसर होगा 12th का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एंड कैपिटल इनफ्लोज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट इन एक्सचेंज रेट को क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस, स्प्रेड, स्वैप पॉइंट्स की स्पॉट रेट. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्प्रेड बोलते हैं इसे. नेक्स्ट 14 है, डैश इज द प्राइस ऑफ विच द ट्रेडर इज सेलिंग टू बाई फॉरन करेंसी, ऑफर, बिड, स्प्रेड की क्रॉस रेट. तो कौन सा प्राइस है जिसपे ट्रेडर क्या होता है, सेलिंग टू बाई फॉरन करेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिड. नेक्स्ट 15 है, द WTO was established to implement the final act of Agri Round Agreement Act, MPAA, GATT, TRIPS की UNO. तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, TRIP. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ द टर्नी प्रोजेक्ट्स. पहला कह रहा है कि इट कैन अर्न अ रिटर्न ऑन नॉलेज बेस्ड असेट्स की भी है, विल नॉट क्रिएट अ कॉम्पिटिटर की सी है, टाइट कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशन की डी ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं. नेक्स्ट 17 है, विच इंस्टीट्यूट सपोज इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट 18 है, कंट्री रिकॉर्ड्स इज इंटरनेशनल फाइनेंस अकाउंट्स इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, कि भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉग अकाउंट्स में, कि ट्रेड पेमेंट अकाउंट में, कि न्यू एक्सपोर्ट अकाउंट में. तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेन ऑन द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड. ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, की बी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की सी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की डी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो 19 का आंसर हो जाएगा इसमें क्या, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रिफर्स टू द लिमिट जो सेट करती हैं कंट्रीज टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों की, नन ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक मेथड होता है एक्सपोर्टर टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफार्मा इनवाइस, परचेस ऑर्डर, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की, ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का, डी. नेक्स्ट 22, द बेसिक ऑब्जेक्ट जो होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इज टू प्रमोट एंड डेवलप द एक्सपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, कि ओनली अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री, कि ओनली सर्विसेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, कि डी ऑल ऑफ द अबव. तो बेसिक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का क्या होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त के सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग FDI, लैंग्वेज, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन की, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज की, डी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फैक्टर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 23 का ए, लैंग्वेजेस जो भाषा होती हैं वो डज नॉट प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती हैं इन अट्रैक्टिंग द FDI. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इंडिया एक तरह की क्या है, मार्केट इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, कि नन ऑफ दी अबव. तो इंडिया जो है वो एक मार्केट इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है. तो इसमें का आंसर आइदर ऑप्शन नंबर ए या सी में से क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, वैसे सी होना चाहिए. नेक्स्ट 25 है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश विथ गेट एज ऑन एज इट बेसिस 1992, 1993, 1995 की 1994. तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का, दैट इज सी. नेक्स्ट है, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक नेचुरल रिसोर्सेज का, ए इज द ओनली कॉजेस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, इज द मेजर फैक्टर फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, कि इज अमंग द मेजर फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इट इज नॉट अ कॉज फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. तो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, इट इज अमंग द मेजर जो फैक्टर्स होते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के. ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही. नेक्स्ट 27 की बात करें,
विच एलिमेंट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज चेंज अमाउंट कंपोजिशन डायरेक्शन की ऑल ऑफ दी अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. ब्रिटेन है, चाइना है, यूएसए है कि पाकिस्तान है. तो सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर पूछा है इंडिया का तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए. नेक्स्ट 29 द मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरन ट्रेड जो होता है वो कैरिड थ्रू लैंड एंड सी, लैंड एंड एयर, सी एंड एयर की सी. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सी एंड एयर. नेक्स्ट 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया. एशिया, यूरोप, अफ्रीका की नॉर्थ अमेरिका. तो ये क्या हो जाएगा अफ्रीका, सॉरी एशिया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट 31 विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज यूजली नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. वीट, राइस, सुगर की पल्सेस. तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज पल्सेस. नेक्स्ट 32 गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम क्या बोलते हैं. कॉमर्शियल पॉलिसी बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं कि फाइनेंस पॉलिसी. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में दैट इज कॉमर्शियल पॉलिसी. तो 32 का ए. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल के ऑल ऑफ दी अबव. तो 33 का आंसर हो जाएगा कि सारे के सारे क्या हैं, एक कैपिटल अकाउंट के पार्ट होते हैं. नेक्स्ट 34 द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें उसे हम FDI बोलते हैं, FII बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं कि दैट इज SDR. तो उसे हम बोलते हैं FII, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट 35 फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या रिफर्स करती है. ऐसी पॉलिसी जहाँ पर एब्सेंट ऑफ टैरिफ रहता है, बी है रिस्ट्रिक्शंस रहता ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि सी रहता है जो एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग पॉलिसी, कि डी है इनकरेजमेंट फॉर द बैलेंस ग्रोथ. तो फ्री ट्रेड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी हुई जहाँ पर हमारी क्या होती है एब्सेंट ऑफ टैरिफ, दैट इज ऑप्शन. नेक्स्ट है 36 द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस, उसे हम क्या कहते हैं. डिप्लोमेसी, डिस्क्रिमिनेशन की, डंपिंग की, डबल प्राइसिंग. तो उसे हम डंपिंग बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट 37 है इनविजिबल जो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है. सर्विसेज, प्रोहिबिटेड गुड्स, अनरिकॉर्डेड गुड्स की गुड्स थ्रो स्मगलिंग. तो इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब ऐसे एक्सपोर्ट जो कि क्या होती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सर्विसेज. नेक्स्ट 38 है लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करता है. एन एक्सपोर्टर, एक इम्पोर्टर, बैंक की शिपिंग कंपनी. तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाई अ बैंक द्वारा. नेक्स्ट 39 द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज बिटवीन टू कंट्रीज को क्या कहा जाता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बाइलेटरल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की मल्टीलेटरल ट्रेड. तो जो एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज होती है दो कंट्रीज के बीच में उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं. लास्ट क्वेश्चन द टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज इनकम टैक्स, ट्रेड टैक्स, कस्टम टैक्स की नन ऑफ दीज. तो उसे हम बोलते हैं जो टैक्स रहता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उसे हम बोलते हैं दैट इज कस्टम